हेलो। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। नमस्कार मेरे बच्चों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वुगली स्टूडियो में। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अरे भाई बोलो मेरे बब्बर शेरों, कैसे हैं आप लोग? हर हर वुगली, घर घर वुगली, क्या हाल है आप लोगों? KGF लेक्चर नंबर फर्स्ट इज स्टार्टेड टुडे एंड गाइज यू नो दैट विल बी वेरी 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 एक्सीलेंट सीरीज एंड दैट इज वेरी डेंजरस। अरे भाई याद रखना क्या होने वाला है, डेंजरस सीरीज, डेंजरस दैट विल क्रिएट डेफिनेटली That will definitely create some very very excellent risk. Guys, you know that. क्या हाल है आपका? Very good, शाबाश। चलिएगा मेरे बच्चों। Yes, thank you so much. Love you all, wish you all. पहला क्वेश्चन मेरे बच्चों आज की सीरीज का नंबर वन। पहला क्वेश्चन देखिए, आज बोर्ड टेढ़ा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैमरा वगैरह टेढ़ा हो रहा है, ध्यान देंगे हम। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बेटा आप ऐप में जाओ, जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए, कोटा के लिए और यूट्यूब के लिए, चारों के रजिस्ट्रेशन आपकी गूगली ऐप के अंदर लाइव हो चुके हैं और आप वहां से जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना ताकि मुझे पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन पता चल सके। जब मैं जयपुर आऊंगा मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने स्टूडेंट्स वहां पर बैठेंगे, उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, की सारी फैसिलिटीज करनी पड़ेगी, क्योंकि रोड पे तो क्लास नहीं होगी ना। अरे रोड पे तो नहीं होगी ना, कहीं हॉल ही ऐसे कुछ पूरी फैसिलिटी में ही होनी पड़ेगी। और अभी मेरे पास जो स्पेस है वो थोड़ा लिमिटेड है जयपुर में और दिल्ली में, क्योंकि अभी वहां पर आप जानते हो कि मैं तो भाई कोटा वासी हूँ और कोटा के अंदर अपना बहुत एरिया है। कोटा में तुम कितने भी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जयपुर में अभी अपन को स्पेस वगैरह का थोड़ा सा अरेंजमेंट वहां पे आपके लिए करना पड़ेगा, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, कंपलसरी है। और ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको कोचिंग से यहाँ से कॉल आ जाएगा, उसमें आपको सारी प्लेस की डिटेल दे देंगे और क्लासेस की डिटेल दे देंगे। और 7 दिन, अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे ज्यादा सुनहरे दिन होंगे। और इन 7 दिन में जो होगा, बवाल होगा, बवाल भोकाल होगा, क्या होगा, भोकाल होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं भैया सबसे पहले। और मेरे बच्चों केजीएफ के अंदर हमारा जो टारगेट है वो बहुत एक्सीलेंट है, तो केजीएफ का हर पार्ट बहुत एक्सीलेंट है। और आज पहला पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं, पहला लेक्चर है, इसके क्लास को लाइक करके दबा दो थंब को भैया। देखिए पहला क्वेश्चन, एन इमरजेंसी रूम नर्स यस असेसिंग अ 22 ईयर ओल्ड मैन हु हैज बीन यूजिंग द ओपोइड। मेरे बच्चों ओपोइड का क्वेश्चन है, किसका है, ओपोइड का क्वेश्चन है, मॉर्फिन का। व्हाट सिम्पटम इंडिकेट दैट द क्लाइंट हैज द ओवरडोज। और जवाब दीजिएगा भैया कि कौन सा ऐसा ऑप्शन आप देख रहे हैं जो पेशेंट को ओवरडोज को इंडिकेट कर रहा है, ओपोइड ओवरडोज। ओपोइड का एक एग्जांपल हम जानते हैं मॉर्फिन, और इसका लेक्चर का लिंक मैंने आपकी चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर रखा है स्टार्टिंग में ही, उसको जरूर देख लेना मेरे बच्चों। मॉर्फिन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ओपोइड का क्वेश्चन है। मेरे बच्चों जब भी आप जानते हो ओपोइड किसी क्लाइंट को हम देते हैं तो ये क्या करता है मेरे बच्चों, प्यूपिल का कंस्ट्रक्शन कर देता है और हाइपोटेंशन कर देता है। प्यूपिल कंस्ट्रक्शन से क्या हो जाता है, इन पॉइंट प्यूपिल हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है, इन पॉइंट, यानी ये आपका आईबॉल है, आईबॉल के अंदर बीचों बीच में ये आपका प्यूपिल है, ठीक है ना, आयरिस से आयरिस के बीच में प्यूपिल है। तो जो प्यूपिल है मेरे बच्चों ये बिल्कुल छोटी साइज में आ जाता है कंस्ट्रिक्ट होकर के, और एक पेन के पॉइंट की तरह दिखने लगता है, इसे कहते हैं पेन पॉइंट प्यूपिल और हाइपोटेंशन। तो देखिए ये लेक्चर मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब के ऊपर और उसी में से स्क्रीनशॉट लिया है। तो व्हाट आर द स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के लिए क्या करता है मेरे बच्चों, मॉर्फिन मायोसिस करता है। यदि मैं आपको प्यूपिल कंस्ट्रक्शन नहीं देता तो मैं लिख करके दे सकता था आपको मायोसिस, क्या दे सकता था बेटा, तो प्यूपिल कंस्ट्रक्शन को ही हम मायोसिस कहते हैं, मायोटिक इफेक्ट, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ क्रेनियल नर्व थर्ड। अब अगला सवाल याद रखना कि प्यूपिल कंस्ट्रक्शन क्यों करता है ओपोइड, मेरे बच्चों क्रेनियल नर्व थर्ड को ये स्टिमुलेट करता है, क्लियर है। दूसरा, पिन पॉइंट प्यूपिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर इन एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग। एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग या ओपोइड पॉइजनिंग होता है
तो प्यूपिल का कंस्ट्रिक्शन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर का है जो इनिशियली आपको दिख जाएगा। तो ओपोइड ओवरडोज कह दें या ओपोइड पॉइजनिंग कह दें, पिन पॉइंट प्यूपिल या मायोसिस इसका आंसर होगा, और ये होता है थर्ड क्रेनियल नर्व की वजह से, और दूसरा इसका होता है नोजिया वॉमिटिंग साइड इफेक्ट। मेरे बच्चों एक क्वेश्चन पूछ रखा है मैंने उस क्वेश्चन उस वाले लेक्चर के अंदर, क्या पूछ रखा है, व्हाट आर द ट्रायड फीचर ऑफ एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग, एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग के, और यहां भी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगाया है, एक्यूट मॉर्फिन पॉइजनिंग के ट्रायड फीचर क्या क्या होते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, पिनपॉइंट प्यूपिल करता है, और कोमा एंड कन्वल्शन करता है। यदि मेरे बच्चों कभी ये सवाल आ जाए मॉर्फिन पॉइजनिंग के ट्रायड फीचर, तो याद रखना मॉर्फिन की वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, पिनपॉइंट प्यूपिल होता है, और पेशेंट को कोमा एंड कन्वल्शन होता है। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, मैंने कहा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्यों होता है, बिकॉज इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला बोथ रेट और डेप्थ। अगर मैं ओपोइड की बात करूं या मॉर्फिन की बात करूं, तो ये आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स को डिप्रेस कर देता है, कहां पर, मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के अंदर, और रेस्पिरेशन का रेट भी बदलता है और डेप्थ भी बदल जाता है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द एक्यूट ओपोइड पॉइजनिंग। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों कि एक्यूट ओपोइड पॉइजनिंग का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है डेथ का। अगर एक्यूट ओपोइड पॉइजनिंग से किसी भी क्लाइंट की डेथ हो जाती है, तो उसका जवाब हम क्या देंगे मेरे बच्चों, उसका मोस्ट कॉमन कॉज देंगे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो जब मॉर्फिन या ओपोइड देंगे किसी को आप, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स को मेडुला में डिप्रेस करता है, और इससे रेस्पिरेशन का डेप्थ और रेट दोनों चेंज हो जाता है और घट जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को ही बेटा हमने क्या जवाब में दे दिया। तो हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द पेशेंट इन एक्यूट ओपोइड पॉइजनिंग, तो जवाब क्या देना है आपको, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मेरे बच्चों एक और क्वेश्चन मैंने पूछ रखा है आपसे उस लेक्चर के अंदर, व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के कारण डिपेंडेंसी आ जाती है, एक तो ये वाला याद रखना, ये हिस्टामिन के रिलीज को बढ़ाता है मॉर्फिन, और हिस्टामिन जब भी बढ़ेगा तो इचिंग प्रूराइटिस होता है, और क्या करता है, वैजोडाइलेशन करता है मॉर्फिन, और वैजोडाइलेशन करने के कारण पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाता है मेरे बच्चों, और ब्रोंकोस्पास्म करता है और कॉन्स्टिपेशन करता है। तो याद रखना मेरे बच्चों मॉर्फिन के एक्यूट साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो ये डिपेंडेंसी, इचिंग, प्रूराइटिस, हिस्टामिन का सिक्रेशन बढ़ाना, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोटेंशन, वैसोडाइलेशन, और मेरे बच्चों ब्रोंकोस्पास्म। याद हो गया यहां तक सबको, याद कर लेना, एक एक लेक्चर बहुत जबरदस्त होगा। एनाल्जेसिक्स में मैंने आपको दो तरह की एनाल्जेसिक पढ़ा रखी है, एनएसडी और नार्कोटिक। नार्कोटिक के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, नेचुरल एल्केलॉइड होते हैं नार्कोटिक, और नार्कोटिक का एग्जाम्पल मॉर्फिन और कोडीन है। और मेरे बच्चों सिंथेटिक कंपाउंड में पैथिडिन आती है हमारे पास, फेंटानिल आती है, एथेडोन आता है, ट्रामाडोल आता है, तो ये है सिंथेटिक ओपोइड्स। क्या है मेरे बच्चों, सिंथेटिक ओपोइड्स है, और ये जो हमारी ड्रग है मॉर्फिन और कोडीन, ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं। क्लियर हो गया है, एक पॉपी प्लांट से मिलता है। और दूसरा हमारे पास पेन किलर होती है एनाल्जेसिक्स, एनएसडी जिनको कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, और इसके एग्जांपल होते हैं सैलिसाइलेट, बहुत फेमस है ये भी, हर एम्स के अंदर क्वेश्चन आता है सैलिसाइलेट, एस्प्रिन का आता होगा, जिसने एग्जाम दिया है उसको पता भी होगा मेरे बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक होता है प्रोप्रियोनिक एसिड डेरिवेटिव आइबुप्रोफेन, दैट इज वेरी फेमस, एसिटाइल्स एसिटिक एसिड डेरिवेटिव डाइक्लोफिनेक और एसिक्लोफिनेक, बहुत फेमस है मेरे बच्चों। तो डाइक्लोफिनेक और एसिक्लोफिनेक मैं ऐसी ही ड्रग्स यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो काफी कॉमन है, काफी पॉपुलर है, और एक नर्सिंग प्रोफेशन में आप आगने के बाद में आपको ये सब जानना ही चाहिए। मेफेनेमिक एसिड, इंडोमेथासिन, निमोसलाइड और पैरासिटामोल, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं ये सब नॉन स्टीरोइडल है, और ये स्टीरोइडल है मेरे बच्चों ओपोइड से। क्लियर है, मॉर्फिन कोडीन नेचुरल है, पैथिडिन हो गया, फेंटानिल हो गया, मेथाडोन हो गया, ये सब सिंथेटिक है और मॉर्फिन कोडीन नेचुरल है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट द नेगेटिव सिम्टम ऑफ साइजोफ्रेनिया, इनमें से कौन सा साइजोफ्रेनिया का सिम्टम नहीं है। जवाब तुरंत पुट कर देना बिना टाइम वेस्ट किए। साइजोफ्रेनिया के दो टाइप के सिम्टम आपको जानने होंगे मेरे बच्चों, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव उन सिम्टम्स को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी बिहेवियर पेशेंट का बढ़ा हुआ नजर आ रहा हो, अगर बिहेवियर इंक्रीज हुआ नजर आ रहा हो तो वो पॉजिटिव सिम्टम होगा, और बिहेवियर यदि अगर नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो नेगेटिव होगा।
मेरे बच्चों ये लेक्चर एक मैंने साइजोफ्रेनिया के ऊपर तब लिया था जब मैं आपको निमांस पढ़ा रहा था, ठीक है। और आप सबको ये लेक्चर देख लेना है निमांस के केस में जब साइजोफ्रेनिया मैंने पढ़ाया था और डिप्रेशन पढ़ाया था। तो याद रखना, इनमें से चेक करते हैं इमोशनल फ्लैटरिंग, यानी ये तो डिक्रीज है तो नेगेटिव है। एनहेडोनिया ये भी डिक्रीज है तो ये भी नेगेटिव है। पॉवर्टी ये भी डिक्रीज है तो नेगेटिव है। हेलुसिनेशन मेरे बच्चों एक पॉजिटिव सिम्टम है। तो हमें क्वेश्चन भी यही किया था कि कौन सा साइजोफ्रेनिया का सिम्टम नेगेटिव सिम्टम नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। हेलुसिनेशन और बिजर बिहेवियर, बिजर मींस वेस्ट, यूजलेस बातें कर रहा है, एक्सेसिव बातें कर रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव सिम्टम। हेलुसिनेशन हो रहा है मतलब स्टिमुलाई नहीं है। स्टिमुलाई की एब्सेंस में किसी भी क्लाइंट को यदि अगर स्टिमुलाई ना हो और उस एब्सेंस में भी अगर किसी पर्सन को क्या हो रहा हो मेरे बच्चों, अगर परसेप्शन हो रहा हो तो उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं। और जब स्टिमुलाई हो लेकिन उसको फॉल्स इंटरप्रेट कर रहा है पेशेंट, फॉल्स परसेप्शन कर रहा है, तो वो इल्यूशन होता है। दोनों ही परसेप्चुअल प्रॉब्लम से और साइजोफ्रेनिया के पेशेंट्स को इल्यूशन भी होता है, हेलुसिनेशन भी होता है। और ये सब बड़े हुए बिहेवियर है, चाहे बिजर बिहेवियर हो या हेलुसिनेशन हो, इल्यूशन हो, ये सब पॉजिटिव में आएंगे। और ये सब इमोशनल, इमोशन घट गए, फ्लैट हो गए मेरे बच्चों, एनहेडोनिया हुआ, पॉवर्टी ऑफ स्पीच, बोल ही नहीं पा रहा है, ये सब नेगेटिव होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा था कौन सा पॉजिटिव है यानी कौन सा नेगेटिव नहीं है, तो डी ऑप्शन आपको लगाना होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द नर्स इज प्रोवाइडिंग अ टीचिंग सेशन टू अ क्लाइंट हु हैज अल्सरेटिव कोलाइटिस और द नर्स विल इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू विच डाइट। अब हमने आपको प्रीवियसली जब पढ़ाया था सक्सेस शो, तो सक्सेस शो के अंदर हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ाया था और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हमने कहा था कि पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायरिया होता है। और डायरिया होता है मेरे बच्चों, तो इस क्लाइंट के लिए कौन सी डाइट नहीं देना चाहिए, इसको कौन सी डाइट देनी चाहिए। और तो मेरे बच्चों इसको हमें क्या करना चाहिए, रेजिड्यू डाइट नहीं देना चाहिए। कौन सी डाइट, फाइबर डाइट या रेजिड्यू डाइट नहीं देना चाहिए। अंडरस्टैंड, ये डाइट इसको नहीं दिया जाना चाहिए। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के लिए कौन सा डाइट दिया जाए, तो लो रेसिड्यू लो फाइबर डाइट इसके लिए दिया जाना चाहिए ताकि डायरिया को कम किया जा सके। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम जानते हैं मेरे बच्चों कि डायरिया होता है, बहुत सीवियर डायरिया होता है। और सीवियर डायरिया अगर हो रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए मेरे बच्चों कि पेशेंट को ऐसी डाइट दें जिसमें फाइबर ना हो। कि फाइबर क्या करेंगे, वाटर होल्डिंग को बढ़ाएंगे और डायरिया को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो डी ऑप्शन ही इसका भी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी वुड अ 70 ईयर ओल्ड अडल्ट बी प्लेस्ड इन। मेरे बच्चों 70 साल का अडल्ट है उसका साइको सोशियल डेवलपमेंट से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। साइको सोशियल डेवलपमेंट से आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। साइको सोशियल डेवलपमेंट के अंदर आपको ये बताना है कि 70 ईयर की एज में जाकर के व्यक्ति के अंदर क्या डेवलप होता है। इंटीमेसी, आइसोलेशन, जनरेटिविटी या स्टैग्नेशन, इंटीग्रिटी या डेस्पेयर और देन लॉन्गेविटी एंड गिल्ट, क्या डेवलप होता है मेरे बच्चों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा मेरे बच्चों। यदि 70 साल की बात करता हूँ जिसमें दादाजी की बात कर रहा हूँ या पिताजी की बात कर रहा हूँ, अगर इन्होंने वैसा प्राप्त कर लिया जैसा ये चाहते थे, फुल सेटिस्फाइड हैं, तो इस उम्र में आकर के या तो ऐसा होगा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या फिर मेरे बच्चों अगर ये अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, और आप भी याद रखना अगर आप नहीं कर पाए तो इस उम्र में आके पछताना मत। इसलिए जो भी मेहनत करनी है वो आज कर लेना मेरे बच्चों, आज आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। राइट, जब तुम 70 में आओगे तब पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा, होगा भी कि नहीं होगा, यानी कि मैं आपको पढ़ाने के लिए उस टाइम रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा, तो आई डोंट नो। बट याद रखना मेरे बच्चों कि 70 की एज है, 70 की एज में आकर के और क्या होने वाला है कि अगर हमने लाइफ में जो सोचा था वो अचीव कर लिया तो सेटिस्फेक्शन रहेगा, और नहीं कर पाए तो हमें क्या होगा, गिल्ट होगा, डेस्पेयर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, डेस्पेयर होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट के अंदर कौन सा डेवलपमेंट होता है, साइको सोशल, इंटीग्रिटी या डेस्पेयर, ये ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। देखिए मेरे बच्चों, लेटर स्टेज 65 के बाद में जो डेवलप होता है इंटीग्रिटी और डेस्पेयर डेवलप होता है। अचीवमेंट्स कर लिए तो इंटीग्रिटी डेवलप होगी, और अगर अचीवमेंट नहीं डेवलप कर पाया तो डिससेटिस्फेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूसेमाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। मेरे बच्चों ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आएगा, और अभी आपका जीएमसीएच का एग्जाम आने वाला है,
तो याद रखना मेरे बच्चों, इस पर डीएमईआर पर इन पर हमारा मुख्य फोकस रहेगा और नॉरसेट पर, और ये एग्जाम्स हमारे टॉप एग्जाम्स हैं, और सीएचओ ये हमारे टॉप एग्जाम्स हैं, जो हमारे फेवरेट एग्जाम्स हैं जिनमें हम जाना चाहते हैं। तो फ्रूसेमाइड नेफ्रोन के कौन से पार्ट पर एक्शन करता है, सवाल ये है मेरे बच्चों। तो हम जब जानते हैं नेफ्रोन का स्ट्रक्चर, तो हम देखते हैं इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये नेफ्रोन का ग्लोमेरुलस है, ये है असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, राइट। इस तरह डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूबल, राइट, एंड इट इज द कलेक्टिंग ट्यूब, क्लियर है। तो आपको बताना है कि जो फ्रूसेमाइड एक्शन करती है वो कौन से पार्ट पे जाकर के एक्शन करती है मेरे बच्चों, फ्रूसेमाइड। तो फ्रूसेमाइड जो होती है, याद रखना ये लूप ऑफ हेनले है, ये डीसीटी है, पीसीटी है, और ये है डीसीटी, और मेरे बच्चों ये है लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले का ये डिसेंडिंग लूप है और ये असेंडिंग लूप। याद रखना मेरे बच्चों, असेंडिंग लिंब ऑफ द लूप ऑफ हेनले पर जाकर के फ्रूसेमाइड काम करती है। तो फ्रूसेमाइड एक्शन करते यहाँ पर हेनले लूप के असेंडिंग वाले कॉलम के ऊपर ये जाके काम करती है, फंक्शन करती है। अरे क्रिस्टल क्लियर हो गया है यहाँ तक। फ्रूसेमाइड क्या है मेरे बच्चों? फ्रूसेमाइड एक प्रकार का डायूरेटिक है। क्या है? डायूरेटिक है, अंडरस्टैंड। तो फ्रूसेमाइड को कब देना चाहिए? फ्रूसेमाइड की वजह से और क्वेश्चन निकलो। फ्रूसेमाइड जब भी दोगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, तो यूरिन आउटपुट के साथ में के प्लस का लॉस बढ़ जाएगा मेरे बच्चे, इज के प्लस लॉस, और के प्लस लॉस हो जाएगा तो पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो जाएगा जब भी फ्रूसेमाइड देंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। और फ्रूसेमाइड को कभी भी रात को नहीं देना है, नाइट टाइम पर फ्रूसेमाइड नहीं दिया जाना चाहिए, राइट मेरे बच्चों, वरना क्लाइंट को क्या होगा, बार बार सुसु करने के लिए उठना पड़ेगा, और ऐसा अगर करना पड़ेगा तो उससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी पेशेंट को, इनसोम्निया हो जाएगा। ये फ्रूसेमाइड को हमेशा अर्ली मॉर्निंग दिया जाना चाहिए। कब दिया जाना चाहिए? अर्ली मॉर्निंग दिया जाना चाहिए, यदि अगर ओडी देना है तो। यदि बीडी देना है तो फिर दूसरी बार देंगे तो अर्ली आफ्टरनून दे देंगे आप, लेकिन शाम को या रात को नहीं देना है, ठीक है ना। ये फ्रूसेमाइड के और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन विद द साइजोफ्रेनिया वाज फाउंड टू रिपीट द व्हाटएवर वर्ड द साइकेट्रिक नर्स वाज स्पीकिंग, दिस बिहेवियर कैन बी लेबल्ड एज। अगर एक पेशेंट है साइजोफ्रेनिया का और जो आप बोल रहे हो वही बात अगर वो पेशेंट आपसे रिपीट कर रहा है, बोल रहा है, तो मेरे बच्चों पेशेंट के इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? इकोप्रेक्सिया, नियोलॉजिज्म, वर्ड सलाद, या फिर इकोलेलिया, क्या बोला जाएगा? दैट इज वेरी मोस्ट फेमस क्वेश्चन इन नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिएगा मेरे बच्चों। और आपको पता है अगर वो बिहेवियर को कॉपी कर रहा है, बिहेवियर को कॉपी कर रहा है, मूवमेंट्स को कॉपी कर रहा है, तो कहलाता है इकोप्रेक्सिया। अगर न्यू वर्ड्स बोल रहा है जिनका कोई मीनिंग नहीं है तो नियोलॉजिज्म, ये घिचपिच कर रहा है सारे वर्ड्स को तो वो सलाद है। और इकोलेलिया मतलब आपकी कॉपी करके कर रहा है, आप जो बोल रहे हैं वही वापस रिपीट कर रहा है, इस वाली प्रॉब्लम को बोलते हैं मेरे को लेलिया, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द 10 लैडर अ पेशेंट इज ब्रोट टू द ईडी, द पेशेंट इज अलर्ट, रिपोर्ट बैक पेन और डिफिकल्टी मूविंग द लोअर एक्सट्रीमिटी। पेशेंट को बैक में पेन हो रहा है तो और लोअर एक्सट्रीमिटी को मूव नहीं कर पा रहा है, विच एडिशनल ऑब्जर्वेशन इज इंडिकेशन दैट पेशेंट मे बी एक्सपेक्टिंग न्यूरोजेनिक शॉक। अरे बच्चों आपसे कहा जा रहा है कि एक पेशेंट जो है लेडर से गिर चुका है, इस पे चढ़ रहा था सामान वगैरह उतारने के लिए, तो वो इससे गिरने के बाद में बैक में पेन हो रहा है एक तो, और दूसरा वो लोअर एक्सट्रीमिटी को मूव नहीं कर पा रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है? चार ऑप्शन दिया, कूल और पेल स्किन, ब्रेडिकार्डिया, पुअर स्किन टर्गर, या इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्या जवाब होगा मेरे बच्चों? दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और याद रखना मेरे बच्चों, अगर न्यूरोजेनिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक शॉक के केस में हार्ट रेट जो होता है वो घट जाता है, और हार्ट रेट घट जाने से मेरे बच्चों क्या हो जाता है? ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ब्रेडिकार्डिया। तो सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नर्स वुड इंस्ट्रक्ट अ पेशेंट हु इज रिसीविंग द डिजॉक्सिन, ये बच्चों एक पेशेंट डिजॉक्सिन ले रहा है, टू रिपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइड इफेक्ट। आपको बताना है डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट कौन सा है। तो चलिए, पहला रिंगिंग इन द ईयर,
अब रिंगिंग इन द ईयर ये हम जानते हैं सैलिसाइलेट्स की वजह से होता है, एस्प्रिन की वजह से होता है, राइट। एस्प्रिन का साइड इफेक्ट होता है का एलोपेसिया जो होता है मेरे बच्चों, एलोपेसिया कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट होता है, यू नो दैट। और काइंड ऑफ ब्रूशिंग एंटीकोगुलेंट का साइड इफेक्ट होता है। और मेरे बच्चों यहां पर आपको ऑप्शन दिया था तो फोबिया सेंसिटिविटी टू द सनलाइट इज द राइट ऑप्शन फॉर द पेशेंट दे आर टेकिंग द डिजॉक्सिन। क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? तो डिजॉक्सिन का, अरे याद रखना ये एक एक क्वेश्चन बहुत जानदार होगा। तो डिजॉक्सिन का साइड इफेक्ट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्रिस्टल क्लियर हो गया मेरे बच्चों? अंडरस्टैंड यहाँ तक? अरे बात समझ में आ गई ना? जो भी पढ़ा रहा हूँ सबको मजे आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, एक बार बता दो कितना मजा आ रहा है तुम लोगों को? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है केजीएफ? और केजीएफ में मजा बहुत है, नॉलेज बहुत है, मजा बहुत है, दे आर एवरीथिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। फुल आनंद का अनुभव हो रहा है? यस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है सबको, बहुत आ रहा है, 100%, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो क्या मेरी ये मेहनत रंग लाएगी? यस, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया सोनू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। याद रखना मेरे बच्चों, प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं रहेगी मेरी तरफ से, ठीक है ना? मेहनत रंग लाएगी जरूर, वेरी गुड। अगला सवाल है मेरे बच्चों, पार्ट व्हेन रिसीविंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप चिल और हेडेक। पेशेंट को बीटी लगा रखा है आपने और हेडेक एंड चिल होने लगा, व्हाट शुड बी द नर्स इनिशियल एक्शन? अगर किसी भी पेशेंट को आप ब्लड चढ़ा रहे हो और उसको ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें? क्या हमें फिजिशियन को बताना है स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन या स्लो द ब्लड ट्रांसफ्यूजन या कवर द पेशेंट विद ब्लैंकेट और एडमिनिस्टर द ऑर्डर्ड एसिटामिनोफेन? तो मेरे बच्चों कभी भी याद रखना, अगर बीटी रिएक्शन हो जाए, बीटी रिएक्शन में क्या देखोगे आप? पेशेंट को हेडेक होने लग जाएगा, चिल्स होने लगेगा। अगर हेडेक एंड चिल्स हो गया है, बीटी रिएक्शन हो गया है, तो माय डियर स्टूडेंट आवर फर्स्ट एक्शन हमारा पहला ये होगा कि उस बीटी ट्रांसफ्यूजन को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, स्लो करने से काम नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? स्लो से काम नहीं चलेगा बेटा, स्टॉप करना पड़ेगा और उसके बाद फिजिशियन को इंस्ट्रक्ट करना होगा और उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन है और सैंपल वगैरह आपको भेजना पड़ेगा लेबोरेटरी में ताकि जांच होकर के वो ब्लड आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चूज द मोस्ट थेरेप्यूटिक रिस्पांस टू द मिस्टर शैम क्वेश्चन, एम आई गोइंग टू डाई? अब जब आपको एक पेशेंट है मिस्टर शाम और ये कह रहा है क्या मैं मर जाऊंगा, ऐसा आपसे कह रहा है, तो आपका क्या रेस्पॉन्स होगा? कि ऑल आर गोइंग टू डाई, क्या ऐसा कहोगे? What has your doctor told you? आपके डॉक्टर ने क्या कहा है आपको? क्या ऐसा ही कहा है कि तुम मर जाओगे? You really don't want to talk about death, do you? या would you like to talk about your condition or prognosis? क्या कहोगे मेरे बच्चों? अगर आपसे ऐसा पेशेंट कह रहा है तो आपका जवाब क्या होगा मेरे बब्बर शेरो? नहीं, गलत जवाब भैया, जो आंसर लगा रहे हैं उनका आंसर सही नहीं है। You really don't want to talk about death? नहीं मेरे बच्चों, जब भी कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी बातें कर रहा हो, आपको डिप्रेशन का शिकार लग रहा हो या एंजाइटी का शिकार लग रहा हो, यानी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा हमें ये। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा नजर आ रहा है हमें जिससे कि ऐसा लग रहा है कि कोई पेशेंट डिप्रेशन का शिकार है या किसी भी पेशेंट को एंजाइटी है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसे वेंटिलेट किया जाए। वेंटिलेट करना का मतलब होता है मेरे बच्चों के अंदर जो बातें छुपी है तभी हुई है उनको बाहर निकाला जाए और वो आपसे शेयर करे, तो आप उसको जाकर के कम्युनिकेट करोगे और उसकी उन प्रॉब्लम्स को आउट करोगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट योर कंडीशन और द प्रोग्नोसिस। आप पेशेंट से पूछे कि आप अपनी बात को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, और वो अगर शेयर कर लेता है, वेंटिलेट कर लेता है आपके साथ में, तो आप उसकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर दोगे। क्लियर हो गया? ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल करो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ कॉमन इंडिकेशन ऑफ द इनफिल्ट्रेशन ऑफ अ पेरिफेरल इंट्रावेनस। अगर पेरिफेरल इंट्रावेनस इन्फ्यूजन लगा रखा है तुमने, यहां से आईवी लाइन लगा रखी है और बच्चों वो जो है वेन में ना जाकर के और टिश्यू में इनफिल्ट्रेशन कर गई है, तो इसका सबसे ज्यादा कॉमन फाइंडिंग क्या होगा? तो इनफिल्ट्रेशन को इंडिकेट करेगा, तो पहला रेडनेस और स्वेलिंग अराउंड द इंसर्शन साइट दैट रिटर्न इन द कैनुला, डिफिकल्ट रेगुलेशन द फ्लो विद ग्रेविटी, या फिर कूल स्किन डिस्टल टू द इंसर्शन साइट।
क्या होगा मेरे बच्चों? वेरी गुड, शाबाश। आपने लगा रखा है सिनेरियो को, समझिए आपने आईवी लाइन लगा रखा है और वो आईवी लाइन जो है वेन के अंदर ना जाके टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट कर गया है, और टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट कर गया है तो मेरे बच्चों क्या होगा, आईवी फ्लूड जो है कलेक्टेड इनटू द टिश्यू, आईवी फ्लूड वो टिश्यू के अंदर कलेक्टेड हो जाएगा और ऐसा होने से वो साइट इंसर्शन साइट से डिस्टल एरिया की जो वो बिल्कुल कूल हो जाती है। तो यदि अगर कूल स्किन हो जाता है तो इट इज इंडिकेटिंग दैट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ पेरिफेरल इंट्रावेनस, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मिसेस बबीता इज द इमरजेंसी रूम आफ्टर बीइंग इन्वॉल्वड इन अ ट्रैफिक एक्सीडेंट, व्हाट वुड बी द अर्ली साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक। मेरे बच्चों बबीता जी आई हैं और बबीता जी का स्वागत करना है, स्वागत नहीं इलाज करना है, बेवकूफों इलाज करना है। अब इसको लग रहा है कि हेमरेजिक शोक हो सकता है तो कौन सी फाइंडिंग आप देखोगे और ये जज करोगे कि हेमरेजिक शोक हो सकता है? पहला इंक्रीज बीपी, पैलोर, इंक्रीज हार्ट रेट, डीप ब्रीदिंग। क्या होगा मेरे बच्चों जिससे आप ये जज कर पाएंगे कि बबीता जी को हेमरेजिक शोक हो रहा है? और जो लोग आंसर कर रहे हैं मेरे गजोधर बी ऑप्शन, उनका आंसर बिल्कुल सही नहीं है, सुनना ध्यान से। अगर हेमरेज होता है मेरे बच्चों तो हेमरेज की वजह क्या होता है, ब्लड लॉस होता है और लॉस ऑफ ब्लड होता है, और ब्लड का लॉस होने का क्या हो जाएगा, पेरिफेरल सप्लाई घट जाती है, पेरिफेरल सप्लाई, और पेरिफेरल सप्लाई जब भी घटती है क्या होता है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है, और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया में हार्ट रेट बढ़ जाती है। और यदि अगर हेमरेजिक शोक से हुआ का हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता आस्क द नर्स व्हेन सी कैन स्टार्ट ईटिंग आफ्टर सर्जरी, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पांस बाय द नर्स। अनीता जी जो हैं वो ये कह रहे हैं क्या सर्जरी के बाद में खाना पीना स्टार्ट कर सकती हूं, तो आपका सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या होगा, यू विल हैव टू आस्क द डॉक्टर टेल अबाउट योर द एपेटाइट, you are likely start on the clear fluid once bowel sound can be written here, I will have the dietitian consult with you about the most nutritious post surgery manners. तो मेरे बच्चों अगर कोई भी क्लाइंट आपसे ऐसा कह रहा है कि सर्जरी के बाद में खाना कब स्टार्ट कर सकता हूँ, तो आपको इसके लिए ना तो किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत है और ना टेल अबाउट द एपेटाइट ऐसा पूछने पेशेंट से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, जब भूख लगे तो बता देना नहीं, या फिर आपको ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है कि डाइटिशियन से कंसल्ट करके और उसके लिए बहुत हेवी डाइट या बहुत न्यूट्रिटिव डाइट प्लान करो। आपको सिंपल सा जवाब देना है कि जब भी पेट में आपके बोवेल साउंड्स वापस आ जाएंगी, मूवमेंट आ जाएंगे, तो आपको हम स्टार्ट कर देंगे, और शुरू में आपको क्लियर लिक्विड आपको स्टार्ट करना है, क्लियर फ्लू स्टार्ट करना है, डायरेक्टली सेमी सॉलिड या सॉलिड नहीं देना है। तो आपका जवाब क्या होगा मेरे बच्चों ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हम क्या आंसर करेंगे कि लिक्विड डाइट स्टार्ट करो, गैग रिफ्लेक्स से चेक करो और बोवेल साउंड्स चेक करो, बोवेल साउंड्स अगर आ जाते हैं तो आप उसको डाइट शुरू कर सकते हो। यदि अगर बोवेल साउंड्स रिटर्न नहीं हुए और आपने कुछ खाने को दे दिया तो पेरिस्टाल्सिस नहीं होंगे, वो खाना जो है वो जीआईटी के अंदर मूव नहीं करेगा, और मूव नहीं करेगा तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा, उसी ऑप्शन इसका सही जवाब है। When caring for an infant during the cardiac arrest, which pulse rate must be palpated to determine the cardiac function? मेरे बच्चों cardiac arrest का question है, CPR के लिए आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर CPR करने की जरूरत पड़ी तो infants के अंदर कौन सी pulse लेते हैं, carotid, brachial, pedal या radial? कौन सा pulse आप लेंगे अगर patient आपका infant है तो? मेरे बच्चों you know that very important, very good, शाबाश। अगर इन्फेंट्स का क्वेश्चन आता है तो इनमें हम ब्रेकियल पल्स लेते हैं मेरे, ऑप्शन जवाब देना, आप सब जवाब दे रहे हो। इन्फेंट्स के अंदर कौन सा पल्स लिया जाता है, ब्रेकियल पल्स लिया जाता है, क्लियर हो गया है, वेरी गुड, शाबाश। याद रखना मेरे बच्चों अगर मैं कहूँ पल्स को चेक करने का टाइम तो 10 सेकेंड होता है सबके लिए, चाहे कोई भी हो, 10 सेकेंड कम से कम हमें पल्स चेक करना होता है, इन्फेंट हो, अडल्ट हो, नियोनेट हो, कोई भी हो। और मेरे बच्चों अडल्ट कहते हैं 8 साल से ज्यादा उम्र, चाइल्ड कहते हैं 1 से 8 साल, और 1 साल से कम तो इन्फेंट कहते हैं। और याद रखना अडल्ट में कैरोटिड आर्टरी से पल्स लेना है, चिल्ड्रंस के अंदर फीमोरल से,
और अगर इन्फेंट है तो ब्रेंकियल से पल्स लेना होता है। क्लियर हो गया, तीनों क्वेश्चन को याद कर लेना। अडल्ट में कहाँ से लेते हैं, एक बार रिपीट करो, अडल्ट में लेना है कैरोटिड से, चिल्ड्रन में फेमोरल से, और इन्फेंट के अंदर ब्रेकियल से। टाइम रहेगा 10 सेकेंड। और मेरे बच्चों उम्र क्या होती है इनकी, तो 8 साल से ऊपर की एज अडल्ट कहते हैं, 1 से 8 तक हम उसे, 1 से कम पे उसे इन्फेंट कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, द एविडेंस टू असर्ट वेदर और नॉट एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट और कंडीशन हैज मेड द डिफरेंस रेफर्स टू, क्या कहते हैं इसको, जब मेरे बच्चों एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और इंटरनल एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट कंडीशन हैज मेड द डिफरेंस रेफर्स टू, तो इस वाली वैलिडिटी को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल या क्राइटेरियन या कंस्ट्रक्टेड वैलिडिटी। मेरे बच्चों ये जो वैलिडिटी होती है जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट और आउटपुट, वो बातें होती है कि आपने क्या ट्रीटमेंट किया और उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिला के नहीं मिला। अगर ट्रीटमेंट और आउटपुट के बीच में अगर वैलिडेशन किया जाए मेरे बच्चों, तो ये कहलाता है इंटरनल वैलिडिटी। क्या कहलाता है, इंटरनल वैलिडिटी इसका सही जवाब होगा। रिसर्च का क्वेश्चन है मेरे बच्चों और सबका जवाब होगा इंटरनल वैलिडिटी, ऑप्शन राइट आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 16, विच नर्सिंग थ्योरिस्ट बिलीव दैट द मोस्ट पेशेंट्स आर द कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सेल्फ केयर। एक थ्योरी दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि मोस्ट ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो सेल्फ केयर करने में कैपेबल होते हैं, कौन सी थ्योरी के अंदर ऐसा कहा था, रोथिया के अंदर, और एम थ्योरी जिसे कहते हैं, या मेडलिन लिंजर के अंदर, मार्था गोर्जी के सिस्टर कैलिस्टा के अंदर, किसके अंदर ऐसा कहा गया था कि सेल्फ केयर। सीधा सा मेरा सवाल है कि सेल्फ केयर थ्योरी किसने दी, सेल्फ केयर थ्योरी जो दिया था मेरे बच्चों वो किसने दिया था, डोरोथिया ऑरम ने दिया था। डोरोथिया ऑरम ने ये कहा था कि सेल्फ केयर थ्योरी के माध्यम से कि मोस्ट ऑफ जितने पेशेंट्स होते हैं दे कैन डू द सेल्फ केयर बाय सेल्फ। क्लियर हो गया, ये ऑप्शन इसका जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखो आप, अ पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसीडर एज। मेरे बच्चों याद रखना, अ पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट, अगर आप कहें कि पॉजिटिव काउंटर द प्रेगनेंसी टेस्ट, तो इसे कौन सा प्रेगनेंसी टेस्ट कहेंगे, कौन सा साइन कहेंगे, पॉसिबल, प्रीसम्प्टिव, प्रोबेबल या पॉजिटिव, क्या बोलेंगे आप इसको। और ऑप्स का क्वेश्चन है आपके फेवरेट सब्जेक्ट का और दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मेरे बच्चों याद रखना, पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट देन यू विल आंसर दिस, साइन इज द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी का प्रोबेबल साइन इसको बोला जाएगा। क्रिस्टल क्लियर है, क्लास को लाइक कर दीजिएगा ताकि बराबर हो जाए लाइक भी और लाइव भी। मेरे बच्चों याद रखना, इसके लिए आपसे कहना ना पड़े क्योंकि क्लास के बीच में डिस्टरबेंस होता है, टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 18वां क्वेश्चन, यू आर वर्किंग इन अ पीडियाट्रिक यूनिट ऑफ द हॉस्पिटल और केयरिंग फॉर अ 6-year-old बॉय हु इज हॉस्पिटलाइज्ड विद द सिस्टिक फाइब्रोसिस और रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज, विच डेवलपमेंटल टास्क इज द चैलेंज फॉर बॉय एट दिस एज। मेरे बच्चों 6 साल की उम्र में कौन सा डेवलपमेंट होता है ये आपसे पूछ रहे हैं, कफ, डीप ब्रीदिंग और इम्प्रूव्ड रेस्पिरेटरी, एस्टैब्लिश द इंडस्ट्री और सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू डेवलप द ऑटोनॉमी सेल्फ कंट्रोल, टू डेवलप इनिशिएटिव या सेंस ऑफ पर्पस, क्या डेवलप होता है 18 ईयर के बॉय के अंदर, 6 साल की उम्र के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइकेट्रिक से साइकोलॉजी से लिया हुआ क्वेश्चन है। साइकोलॉजी के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो है वहां से पूछा हुआ सवाल है मेरे बच्चों और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना मेरे बच्चों, जो 6 साल के बच्चे की उम्र होती है, 6 साल में बच्चे के अंदर क्या डेवलप होता है, वो अपने काम को खुद करना चाहता है और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। यदि अगर वो अपनी टास्क को, अपने काम को, जैसे शर्ट पहनना, ब्रश करना, कपड़े पहनना, शूज पहनना, बैग उठाना, बैग जमाना, यदि अगर वो अपने खुद के सेल्फ वर्क्स को कर पा रहा है तो उसके अंदर इंडस्ट्री बोला जाता है, और अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा मेरे बच्चों। 6 साल की उम्र में ये वाला डेवलपमेंटल माइलस्टोन डेवलप होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो 6 ईयर में इंडस्ट्री और इंफीरियोरिटी डेवलप होता है मेरे बच्चों, दोनों याद रख लेना। 6 साल की उम्र या तो इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, या फिर इंफीरियोरिटी डेवलप हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भैया
देखिएगा मेरे बच्चों अगला सवाल, ड्यूरिंग विच वीक डज द फीटल हार्ट बिगिन पंपिंग द इट्स ओन ब्लड। तो मेरे बच्चों कितनी एज में फीटस का ब्लड जो है वो ब्लड को पंप कर देता है, थर्ड वीक, फोर वीक, फिफ्थ वीक या सिक्स वीक? क्या आंसर होगा मेरे बच्चों, कितनी एज में फीटल हार्ट सेल्फ ब्लड को पंप करना शुरू कर देता है? वेरी गुड, शाबाश। आप में से जो जवाब कर रहे हो थोड़ा ध्यान देना, और याद रखना मेरे बच्चों जब फीटस का डेवलपमेंट होता है तो 5 वीक आने के बाद ये अपने ब्लड को सेल्फ पंप कर देता है। तो फीटस का जो हार्ट है वो 6 वीक या 5 वीक सही होगा, तो 5 to 6 का रेंज होता है, हम लोअर वैल्यू को प्रेफर करते हैं, 5 वीक के अंदर ये अपना ब्लड जो है वो पंपिंग शुरू कर देता है मेरे बच्चों। ऑप्शन राइट आंसर, विच टाइप ऑफ द कैंसर हैज द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस, कौन सा कैंसर है जो सबसे कम प्रोग्नोसिस, ठीक होने की रेट सबसे कम, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, पैनक्रियाटिक या गैस्ट्रिक कैंसर, कौन सा कैंसर है मेरे बच्चों जिसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है? और ये वेरी गुड, शाबाश। तो पैनक्रियाटिक कैंसर होता है मेरे बच्चों, दैट हैव द पुअरेस्ट प्रोग्नोस्टिक रेट, पैनक्रियाटिक कैंसर का सबसे पुअरेस्ट प्रोग्नोस्टिक रेट होता है, याद रखना है आपको, कौन सा कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इन द करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर आर, इन्फेक्शन की जो स्टेजेस होती है ना इनको सही जमा के आपको पहचानना है, प्रोड्रोमल, इनक्यूबेशन, इलनेस या कन्वल्सेंस, इन्क्यूबेशन, प्रोडोमल, इलनेस या कन्वल्सेंस, प्रोडोमल कौन सा है, पुल पहचानिए मेरे बच्चों। इन्फेक्शन साइकिल आपने याद कर रखा होगा और उसमें से ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, पढ़ा है ना इन्फेक्शन साइकिल सबने, ये कौन सी सही सीक्वेंस होती है? वेरी गुड मेरे बच्चों, सबसे पहले इन्फेक्शन साइकिल जो होती है इन्फेक्शन, पहला स्टेज होता है इनक्यूबेशन, फिर प्रोड्रोमल स्टेज, फिर इलनेस स्टेज और फाइनली कन्वल्सेंस स्टेज। तो याद रखना मेरे बच्चों, इनक्यूबेशन, प्रोडोमल, इलनेस और कन्वल्सेंट क्या है, आई पिक याद रखोगे, क्या याद रखोगे, आई पिक मतलब इन्फेक्शन की सबसे पहला इनक्यूबेशन, प्रोडोमल, देन इलनेस और कन्वल्सेंट क्या है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल है मेरे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय पर कॉन्स्टिपेशन को करने के सबसे ज्यादा आइडियल मेथड पे बताइए, सबसे ज्यादा यूजफुल और आइडियल मेथड रिलीव द कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, पहला ऑप्शन फ्लैट सुलाना, इंक्रीज द इंटेक ऑफ वेजिटेबल फ्रूट, रिडक्शन ऑफ आयरन इंटेक और टेकिंग अ माइल्ड ओवर द काउंटर लैक्सेटिव, क्या करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा? वेरी गुड, शाबाश मेरे बब्बर शेरू, यदि प्रेगनेंसी के समय कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने की बात पूछे तो डाइट, वेजिटेबल, फ्रूट ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो बच्चों, इसके अलावा कोई मेथड इतना इफेक्टिव ना नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी के दौरान मदर के ऊपर, फीटस के ऊपर इफेक्ट ना करे और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने दे, सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड क्या है मेरे बच्चों, इंक्रीजिंग द इंटेक ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आया, कितना मजा आया तुम लोग एक बार फिर बता दो मुझे कि मजा सिर्फ आ रहा है, अरे भाई बोलो एक बार यहाँ तक बात बता दो कि मजा आ गया सर, KGF सीरीज का मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आनंद फुल, आनंद की कमी नहीं होगी, पढ़ाई की कोई कमी नहीं होगी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत मजा आ गया, वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। KGF अपने आप में KGF है मेरे बच्चों, पहला शो इसका स्टार्ट कर दिया अपन ने, दूसरा शो जयपुर में आएगा, तीसरा शो आपका शो कोटा में आएगा, तीसरा शो जयपुर में आएगा, चौथा शो दिल्ली में आएगा और पांचवी तो KGF पार्टी है रे बब्बर शेरों, KGF पार्टी में तुम लोगों को आना ही है, 10 तारीख को पार्टी होगी, 10/5 को तो पार्टी होगी, जयपुर के अंदर जो क्लासेस रहेंगी मेरे बच्चों वो 5 से स्टार्ट होंगी, 5 से 7 दिन की क्लासेस होंगी, 7 दिन में आपको 5 घंटे पर डे पढ़ाऊंगा और ये 7 दिन में 7 महीने का कोर्स MSN, और याद भी करवा दूंगा और पढ़ा भी दूंगा, ठीक है, ये जयपुर का सीन रहेगा, कोटा के अंदर जो क्लासेस अभी स्टार्ट हो रही वो स्टार्ट हो जाएगी मेरे बच्चों 18/4 से,
18/4 से जो क्लासेस ले रहा हूँ वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट से लेकर के तक के बच्चे काम चल रहे हैं, इनको पढ़ाऊंगा राइट, कल पेपर को पढ़ाऊंगा इनको, तो इनकी भी लिए भी कुछ करना जरूरी है, आप ही आपके लिए करता हूँ जरूरी। आपका भी कोई भी रिलेटिव है, कोई जानकार है तो बता देना सर पूरी है ना। ये केजीएफ का पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर वन चल रहा है अपना और न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 7-3 एडमिशन ले लो और या फिर ऑफलाइन कोटा आ जाओ, पर फुल रश आपको पढ़ाई करनी आती। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज कॉजेज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड। अगर पूछूं आपसे कि सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर डेथ कौन से डिसऑर्डर से होती है, पहला कार्डियोवैस्कुलर, एचआईवी, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। मेरे बच्चों सबसे ज्यादा जो डेथ होती है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स की, क्लियर हो गया। दूसरा जो डेथ का कारण होता है वो होता है मेरे कैंसर, तीसरा जो कारण होता है मेरे बच्चों, ठीक है ना, 1-2 क्वेश्चन याद कर लेना। तो इसका सही जवाब होगा कार्डियोवैस्कुलर। Which of the following is a vector of infection? इनमें से पहचानो कौन सा वैक्टर है जो इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शियस फ्लाई या कंटामिनेटेड थर्मोमीटर या कंटामिनेटेड बॉल, इन्फेक्टेड पर्सन। तो वैक्टर किसे कहोगे आप, ऐसे वैक्टर किसको बोलोगे, शाबाश मेरे बच्चों, जो इन्फेक्शियस फ्लाइज हैं वो वैक्टर बोल राइट। इनमें से ये थर्मामीटर वैक्टर नहीं, बॉल भी वेक्टर नहीं, पर्सन भी वेक्टर नहीं है, इसको बोला जाएगा क्लियर है, ये है वेक्टर, क्लियर हो गया है। ऐसे सवाल पूछे ऑप्शन राइट जवाब। क्वेश्चन देखो 25वां, इन्फेंट बोर्न विद द नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है जस्ट हैड अ वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट इंसर्ट एडिशनल टू द कंडक्ट न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट, व्हाट मेजर शुड द नर्स यूज इन द चाइल्ड केयर प्लान। आपसे कह रहा हूं कि एक पेशेंट आया है जिसको कम्युनिकेटिंग टाइप का, नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप का हाइड्रोसेफेलस हो गया है। अगर इसको हाइड्रोसेफेलस हो गया तो आपको इसके अंदर एक शंट डालना पड़ेगा, इस शंट का क्या नाम होगा, शंट का नाम होगा वेंट्रिकल शंट। इनके वेंट्रिकल्स में से डायरेक्ट पेरिटोनियल कैविटी में एक शंट डाल देंगे जिससे पूरा सीएसएफ यहां पर आकर पेरिटोनियल में आने लग जाएगा। तो इसका कौन सा असेसमेंट हमें करना चाहिए मेरे बच्चों, जब भी कभी ऐसा शंट डालते हैं तो पेशेंट का हेड का सर्कमफेरेंस और एब्डोमेन का सर्कमफेरेंस हमें मेजर करना पड़ेगा। जब हाइड्रोसेफेलस का पेशेंट है और उस पेशेंट को अगर हम शंट डालना चाहते हैं ब्रेन में से डायरेक्ट पेरिटोनियम के अंदर, तो इसकी हमें क्या मेजर करनी पड़ेगी, इसकी हमें मेजर करनी पड़ेगी एब्डोमिनल गिर्थ और हेड सर्कमफेरेंस। क्लियर हो गया है, ये ऑप्शन जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 26, सेलेक्ट द एनाटॉमिकल बेल फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। मेरे बच्चों TOF के अंदर टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स को इंक्लूड करते हैं, और ये क्वेश्चन लगा लो मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाएगा, चाहे अभी आप रिसेंटली जो एग्जाम देने जाओगे उनमें भी आएगा। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंक्लूड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। और सबसे पहला जवाब आया है शायद शिखा का और फिर सोनू का, दोनों एस राशि वाले हैं भैया, चमत्कारिक रिजल्ट है इनका। वेंट्रिक्यूलर सेप्टल डिफेक्ट एंड द ओवरराइडिंग एवोर्टा और द राइट वेंट्रिक्यूलर हाइपरट्रॉफी और पल्मोनरी स्टेनोसिस, ये है मेरे बच्चे टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट की प्रॉब्लम्स। फिर हो गया, ए ऑप्शन सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रीनल कैलकुलाई। इनमें से ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें रीनल के अंदर कैलकुलाइज बन जाएंगे, रीनल स्टोन बन जाएंगे मेरे, कौन सी कंडीशन है जो फॉर्म कर देगी। और वेरी गुड, शाबाश, सबसे पहले जवाब आया है भैया शिखा मैडम का, और शिखा तो गजब ही है भाई, शिखर पे जाने वाली है। रीनल कैलकुलाई डेवलप होता है गाउट से, समझ में आ गया मेरे बच्चों। तो गाउट एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो जाता है, गाउट के अंदर यूरिक एसिड क्या बढ़ जाता है, बड़ा हुआ होता है यूरिक एसिड, ये यूरिक एसिड फॉर्म कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए मेरे, सेलेक्ट द क्रैनियल नर्व पेयर्ड विद एम करेक्टली। आपको मैचअप को वाला क्वेश्चन करना है और ये जज करना है कि कौन सी क्रैनियल नर्व है
यूरोलॉजी पढ़ा के अभी फ्री हुआ हूँ कुछ ही दिन पहले, याद रखना, भूल मत जाना, तेरी पूरी मेहनत को पानी फेर दो। कौन सी क्रेनियल नर्व सही से मैच हो रही है? 12th क्रेनियल नर्व को हाइपोग्लोसल, 5th को ऑडिटरी, 2nd को ऑल्फैक्टरी और 10th क्रेनियल नर्व को ट्राइजमाइनल, यहाँ पर 10th है ना। कौन सी सही से मैचअप हो रहा है? और मेरे बच्चों आप पहचानिएगा और जवाब दीजिएगा। और इसके अंदर याद रखना मेरे बच्चों, सही से समझो और याद करके जवाब दो। आपको मैंने बता रखा है यहाँ पर है ये ऑप्शन 12th क्रेनियल नर्व है। 12th क्रेनियल नर्व सबसे लास्ट वाली जो का नाम है हाइपो, सही ऑप्शन करेक्ट है। फिर हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट वुड द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट फॉर द वेमेन हु गोट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन 20 अप्रैल 2018। अगर किसी का एमएनपी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट 20 अप्रैल 2018 है तो इसका आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करना है। नेगल्स रूल आप सब जानते होंगे क्या आंसर आएगा और आप सबको अप्लाई करके और आंसर निकाल देना है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। क्या जवाब आएगा भैया? और निगल्स फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? 9 मंथ प्लस माइनस 7 प्लस 7 डे तो लास्ट मेंस्ट्रुअल फर्स्ट डे, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे से लेकर के 7 दिन प्लस करना है और 9 मंथ में प्लस करना। तारीख आएगी वो आगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निगल्स रूल, ठीक है ना। सही आंसर आ जाएगा 20 जनवरी, 26 जनवरी के एक दिन बाद इसको, है ना, 26 जनवरी के एक दिन बाद इसको बच्चा हो जाएगा, यानी ईटी क्या आ जाएगा 27 जनवरी। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, टेल क्लाइंट हु हैज जस्ट बीन डायग्नोस्ड विद द हेपेटाइटिस ए और हाउ कुड द आई गोट दिस। और ये बच्चों आपसे पेशेंट पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस ए इसको कैसे हुआ, तो आप इसे क्या जवाब दोगे? यू मे हैव ईटन द कंटामिनेटेड रेस्टोरेंट फूड, या फिर मेरे बच्चों यू कुड हैव द, क्या करोगे? इस तरीके से इसको हेपेटाइटिस ए होता है और हम जानते हैं मेरे बच्चों हेपेटाइटिस बी होता है वो ब्लड बॉर्न होता है, पर हेपेटाइटिस ए जो होता है गैस्ट्रो में पढ़ा रखा है मैंने, देख लेना सक्सेस। हेपेटाइटिस ए जो होता है मेरे बच्चे वो होता है कंटामिनेटेड फूड से, तो कंटामिनेटेड फूड खाया है अगर इसने रेस्टोरेंट से तो हेपेटाइटिस ए क्या होगा ऐसा कहना है। तो जो बच्चों मेरे याद रखना, जो कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, इनसे हेपेटाइटिस ए होता है और ए ऑप्शन। सवाल करो, सेलेक्ट द क्राइटेरिया दैट इज कपल्ड विद इंडिकेशन ऑफ द गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट। मेरे बच्चों आपको बताना है वो क्राइटेरिया दैट इज कपल्ड ऑफ द एज और बर्थ वेट। आइडेंटिफाई करिए गेस्टेशनल एज और बर्थ वेट के बीच में कौन सा क्राइटेरिया जो है वो सूटेबल बैठ रहा है मेरे बच्चों। और इसमें याद रखना मेरे बच्चों, जो अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज होती है, अप्रोप्रिएट गेस्टेशन हिसाब से द नियोनेट्स वेट राइज इन द रेंज 10th to 90th percentile। और मेरे बच्चों याद रखना, अप्रोप्रिएट गेस्टेशनल एज के हिसाब से अगर हम जानना चाहते हैं कि गेस्टेशनल एज जो है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो इसके अकॉर्डिंग जो पेशेंट का वेट है, जो वेट है वो 10th से 90th percentile के वेट आना चाहिए और डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। याद कर लेना इस क्वेश्चन को, स्टार लगा लो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टली विद इट्स डिस्कशन अबाउट द स्केलेटल फ्रैक्चर। बच्चों आपको चार फ्रैक्चर मैंने दे रखे हैं और चारों फ्रैक्चर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा फ्रैक्चर जो है वो सही से डिस्क्राइब हो रहा है। पहला अवल्शन फ्रैक्चर दिया है, ग्रिस्टिक कंप्लीट फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। आइडेंटिफाई द राइट वन इन द गिवन फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर हम जानते हैं मेरे बच्चों अवल्जन फ्रैक्चर यहां पर है और फ्रैक्चर दैट एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ द बोन फ्रॉम द लिगामेंट और टेंडन।
और यदि अगर कोई बोन का फ्रैक्चर हो जाए और उस बोन का फ्रैक्चर के बाद वो बोन जो है वो लिगामेंट और टेंडन में से बाहर निकल जाती है ना, तो ऐसा फ्रैक्चर कहलाता है बेटा अवल्शन फ्रैक्चर। क्या कहलाता है? अवल्शन फ्रैक्चर। कल मेरा मिशन है एक क्लास में अपन को डेली के मेरे को 40 एमसीक्यू करना है और 40 एमसीक्यू 45 एमसीक्यू करके टोटल 100 एमसीक्यू सिखाऊंगा और इस प्रकार से केजीएफ की जितनी क्लासेस करवाऊंगा लगभग लगभग मेरे को आपको 4,000 से 4,000 क्वेश्चन आ दूंगा। इनके बाहर पेपर मुश्किल रहेगा तो कंसंट्रेट करके रख मेरे बच्चों, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम इंडिकेट द सैलिसाइलेट टॉक्सिसिटी। और अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में करवाया था कि एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन सैलिसाइलेट है और एस्प्रिन सैलिसाइलेट क्या है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग होता है और इस टॉक्सिसिटी अगर हो जाए तो क्या होता है मेरे बच्चों। और हम सब जानते हैं ईयर के अंदर रिंगिंग होता है, क्या है ऑप्शन राइट आंसर। यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड विद, यूरिनरी ब्लैडर कौन से टिश्यू का बनता है, सिंपल का, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, स्यूडो, क्या जवाब होगा मेरे बच्चों। और दैट इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, यूरिन जब आपको आता है ना तो जरूरी नहीं है जब आ रहा हो तभी आप सुसुप करने चले जाओगे, अगर मौका नहीं मिल रहा है अभी या आसपास का माहौल ठीक नहीं है कैसे करोगे, रोक के ही बैठे रहना पड़ेगा, रोक के बैठे रहना पड़ेगा लेकिन यूरिन तो उसमें भरता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपकी मदद करता है मेरे बच्चों यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाने वाला ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है नहीं होता, बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती, राइट। और इसलिए क्या होता है इसके अंदर के मेरे बच्चों होता है स्ट्रेचिंग और आसानी से ये फैल जाता है, स्ट्रेच हो जाता है और ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर पाता है। ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 जुलाई, कब मनाया जाता है मेरे बच्चों। और सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाओगे, और 2 दिन बाद में वर्ल्ड हेल्थ डे आ रहा है मेरे बच्चों, यानी कि अभी आप देख रहे हो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, 2022 का कौन सा मंथ चल रहा है अभी, अभी 2 दिन बाद ही मेरे बच्चों 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ डे पर WHO ने क्या बोला है, WHO ने क्या बोला है देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे पर WHO 7 अप्रैल 2022 का है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। WHO ने ये कहा है कि हमारा प्लेनेट और हमारी हेल्थ, यानी कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है इस वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर वो किया जा रहा है मेरे बच्चों हमारे इस अर्थ के जो ग्रह है, हमारा अर्थ है, प्लेनेट है, इसकी स्वच्छता और इसकी हेल्थ, साफ सफाई और लोगों का स्वास्थ्य, इस बात को लेकर इन्होंने बनाया है। ये थीम याद रख लेना, आने वाले प्रेजेंट एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आवर प्लेनेट आवर हेल्थ इज द थीम द वर्ल्ड हेल्थ डे फॉर द 7 अप्रैल 2022, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, अ पेशेंट प्रेजेंट एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ब्लड प्रेशर 180-130, हेडेक हो रहा, कंफ्यूजन हो रहा, Which additional finding is considered a diagnosis of the hypertensive emergency? इसमें से और कौन सी ऐसी finding है जो hypertensive emergency? शाबाश, यदि अगर मेरे बच्चों हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होती है तो रेटिनोपैथी इसका एक और फाइंडिंग होगा, एडिशनल फाइंडिंग होगा, जब भी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, रेटिनोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37, सो दीज असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई एज एन अर्ली क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मेरे बच्चों मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट को और क्या क्या होता है, डिमेंशिया है, मसल एट्रोफी है, लॉ से या क्लोना से,
व्हाट इज द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट विद द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मेरे बच्चों यू नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, ऑक्सीजन लॉस इसको होता है। देखिए ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें न्यूरॉन्स का सीएनएस के अफेक्ट होते हैं और इसके अंदर न्यूरॉन्स का डीमाइलिनेशन जाता है। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर सीएनएस के न्यूरॉन्स का डीमाइलिनेशन जाता है और इसका कारण होता है मेरे बच्चों ऑटो, और इसमें क्या हो जाता है स्क्लेरोटिक प्लैक्स बन जाते हैं न्यूरॉन पर, और स्क्लेरोटिक प्लैक बन जाने से क्या होता है इंपल्स की जो स्पीड है ना वो घट जाती है, इंपल्स कंडक्शन स्लो हो जाता है। और इसके केस में क्या होता है, इसके अगर आपसे ट्रायड फीचर पूछे तो इसके ट्रायड फीचर को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के ट्रायड फीचर को कहते हैं चारकोट ट्रायड। क्या कहते हैं चारकोट ट्रायड। चारकोट ट्रायड में होता है ट्रेमर, स्टिग्मस और स्कैनिंग स्पीड, है ना, तीन याद रखना। क्या क्या एक बार रिपीट कर दो, क्या क्या होता है ट्रेमर, निस्टेगमस और स्कैनिंग स्पीड। और मेरे बच्चों विजुअल डिस्टरबेंस होने लग जाता है डाइप्लोपिया विजुअल डेफिसिट, तो विजन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अर्लीस्ट अगर उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, पेशेंट हु हैज हिस्ट्री ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एडमिटेड टू द मेडिकल यूनिट, नर्स नोट द रेड ब्लड सेल काउंट इज एलिवेटेड, विच ऑफ दीज इज लाइकली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दिस लैब रिजल्ट इज पेशेंट। अगर किसी पेशेंट को मेरे बच्चों आरबीसी काउंट बढ़ जाए तो आरबीसी काउंट बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, कौन सा फैक्टर हो सकता है इन चारों में से, आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि पेशेंट को ब्रोंकाइटिस था आरबीसी बढ़ गया है। जब भी कभी मेरे बच्चों बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया होते ही पेरिफेरल बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो ब्रेन क्या करेगा रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा, रेड बोन मैरो से आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इस प्रकार से अगर मैं कहूँ आरबीसी प्रोडक्शन को, या फिर एक और क्वेश्चन आता है इसका एरोपोएटिन के सिक्रेशन को बढ़ाने वाला, भोपाल एम्स में पूछा गया था, है ना, कौन सा फैक्टर है जो एरिथ्रोपोएटिन सिक्रेशन को बढ़ा देगा तो हाइपोक्सिया, या कौन सा फैक्टर है जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा तो हाइपोक्सिया इसका जवाब होगा। फिर हो गया है एरिथ्रोपोएटिन से पूछिए या हाइपोक्सिया आरबीसी। क्वेश्चन नंबर 39, पेशेंट हैज रिसेंटली बीन डायग्नोस्ड विद ल्यूकेमिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्पटम वुड अ नर्स एक्सपेक्ट टू सी इन द डायग्नोसिस। ल्यूकेमिया का पेशेंट है और आप जानते हो ल्यूकेमिया के अंदर इमैच्योर डब्ल्यूबीसी क्या होगा मेरे बच्चों ल्यूकेमिया का पेशेंट है, डब्ल्यूबीसी में काउंट होगी स्टेम सेल थी, स्टेम सेल्स में क्या हुआ कि सारी स्टेम सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है इमैच्योर डब्ल्यूबीसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और इस कारण से जो बाकी की सेल होती थी बाकी ब्लड सेल वो घट जाती है, पेशेंट को हो जाता है पैनसाइटोपेनिया। क्या हो जाता है बेटा पैनसाइटोपेनिया, और पैनसाइटोपेनिया उसे कहते हैं जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों घट जाते हैं। यदि अगर किसी क्लाइंट को मेरे बच्चों डब्ल्यूबीसी घटे आरबीसी प्लेटलेट घटेगा तो ब्रूज जाएगा, आरबीसी घटेगा तो फटिक हो जाएगा, और ये जो इमैच्योर डब्ल्यूबीसी से ये सारे बोन के अंदर जाके कलेक्ट हो जाएंगे तो बोन पेन होगा। अंडरस्टैंड, तो ल्यूकेमिया जब भी होगा पेशेंट को पेन होगा, फटीग होने लग जाएगा, थकान होगा और ब्रूशिंग हो जाएगा, प्लेटलेट घट गया, आरबीसी घट गया और एक्युमुलेशन हो गया है इमैच्योर आरबीसी का किसमें बोन। क्लियर, ये ऑप्शन आप है। क्वेश्चन नंबर 40, अ पीडियाट्रिक पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद द राइट लोअर लोब निमोनिया, अपॉन ऑस्कल्टेशन ऑफ द लंग फील्ड द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू हियर व्हिच ब्रीथ। अगर निमोनिया का पेशेंट है बच्चा है तो कौन सा ब्रीथ साउंड हमें सुनाई देगा मेरे बच्चे, ब्रोंकाई या स्ट्राइडर। और हम जानते हैं मेरे बच्चों उमेश, यस हेलो सर जी प्रणाम, हर हर बुगली, घर घर बुगली सर, कल भोपाल एम्स जा रहा हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए था, Without you, this is impossible for me. Just after I will come Vogli Kota. Most welcome. और
उमेश मेरा साथ है, मेरा आशीर्वाद है आपके लिए, और गुड ब्लेसिंग्स, माय ब्लेसिंग्स ऑलवेज, डोंट वरी, गो फॉर योर डेस्टिनेशन। ये मेरे बच्चों, पेशेंट को यदि अगर कभी भी निमोनिया का पेशेंट है तो निमोनिया के केस में क्लाइंट को क्या सुनाई देगा? रोंका ही सुनाई देगा, तो ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। उधर डेली का हमारा इतना बड़ा एम पूरा होगा, केजीएफ सीरीज अविश्वसनीय है, साधारण को कब असाधारण बना देगी, ये है केजीएफ। ये बच्चों आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ, क्या क्या पढ़ना है आपको, कल पढ़ना है, आज पढ़ाई जो करनी है, टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको रोज बताऊंगा जो आपको पढ़ना है। आपको एक टॉपिक पढ़ना है शोक, पूरे इसके टाइप, शोक एंड टाइप का टॉपिक आपको पढ़ना है मेरे कल, साइजोफ्रेनिया पढ़ के आना है, मतलब आज पढ़ाई करनी, टॉपिक्स बताऊंगा ना आपको और पूरा आपको बताता रहूंगा। साइजोफ्रेनिया, शोक और टाइप, और एक पढ़ना है आपको हेपेटाइटिस, क्या पढ़ना है, हेपेटाइटिस, और एक आपको पढ़ना है मेरे बच्चों प्रेगनेंसी के साइन का टॉपिक, प्रेगनेंसी साइन, चार टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ये चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों टॉपिक्स को पढ़ के आना है, क्लास में आओगे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, क्लास अच्छा लगा हो शेयर करना मेरे बच्चों, हर उस नीडी स्टूडेंट की मदद, पढ़ना चाहता है गूगल के माध्यम से और अच्छी एजुकेशन चाहता है के माध्यम से, तैयार रहना मेरे बच्चों। जयपुर आऊँगा आपके शहर में, आऊँगा आपके शहर में, और के जी एफ के रजिस्ट्री आपके अंदर दी, वहां जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नामकरण पा सकते हो। 100 एडमिशन वाला हूं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ज्यादा होगी तो आपको ध्यान रखना है अपनी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।